तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर किस तरह अमल करना है, काम ने सर जोड़ लिए, अहम इजलास तलब कर लिया गया। सैफ से बुलाए इजलास में चारों मेंबरान, स्पेशल सेक्रेटरीज और कानूनी टीम शिरकत करेगी। इलेक्शन पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। पेशावर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादी आईनी इख्तियारात हैं उसको चैलेंज किया गया इस फैसले में। इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं उनको बड़े मजबूत तरीके से और भरपूर अंदाज में उन्होंने नाफिज करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये फैसला मेरा नहीं है 22 दिसंबर का, ये इलेक्शन कमीशन का है। इस फैसले का तहफ्फुज करना इसकी उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का मामला है, तो ये उनके लिए एक बड़ा अहम है कि वो इसको जरूर चैलेंज करें। पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया, दरख्वास्त किया है कि आम इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारी जमात को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने तरजीह फहरिस्त में दूसरा इंतखाबी निशान लैपटॉप भी मांग लिया।